भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन का आगाज हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बीते दो दिनों में कैसी रही यात्रा और आज के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे आज राहुल गांधी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से सफलता पूर्वक शुरुआत हो चुकी है। मणिपुर में जनता के बीच दो दिन गुजारने के बाद अब ये यात्रा तीसरे दिन के लिए अपने अगले पड़ाव पर पहुँच चुकी है। बीते दो दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर में जबरदस्त समर्थन मिला है। मणिपुर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस यात्रा में शिरकत की और राहुल को अपने हालात बयां किए। उन्होंने मणिपुर की बदली हुई तस्वीर प्रस्तुत की है। राहुल गांधी ने मणिपुर की जनता का हाल सुना और उनके आंसू पोंछे। दो दिनों में 250 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करते हुए कल रात यात्रा ने नागालैंड में प्रवेश किया। राहुल गांधी अपनी टीम समेत मणिपुर के बॉर्डर के पास नागालैंड के कोहिमा जिले के खुजैमा गांव पहुंच चुके हैं। वहां लोगों ने खूब हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। सुबह 8 बजे यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 9 बजे कोहिमा वॉर सेमेट्री में श्रद्धांजलि अर्पित कर और 9:30 बजे जनता को संबोधित करते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। दोपहर 1:15 पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद 2:30 बजे से यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। योजना के तहत शाम 4:30 बजे वोखा से राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे और आज नागालैंड में ही यात्रा रुकेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।